व्हाट्सअप गाइस, तुम लोग का फिर से स्वागत है पोकेमॉन अड्डा की एक और न्यू वीडियो में। गाइस, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पोकेमॉन सोर्ड एंड शील्ड जीबी। गाइस, ये पोकेमॉन सोर्ड एंड शील्ड का जीबी वर्जन है। जो इसका मेन वर्जन है वो अभी मेरे पास आया नहीं, तो उसको हम लोग बाद में खेलेंगे, पहले हम लोग जीबी वर्जन खेलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पोकेमॉन सोर्ड एंड शील्ड के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। गलार रीजन है, इसके बारे में मेरे को ज़्यादा क्या कुछ भी बहुत हल्की सी नॉलेज है मेरे को गलार रीजन के बारे में। तो जैसे जैसे आपको पता चलेगा वैसे ही मेरे को पता चलेगा इसमें गेम में जो सब कुछ नया होगा मेरे लिए। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने कहा भाई पोकेमॉन सोर्ड एंड शील्ड की गेम प्ले लाओ, पोकेमॉन सोर्ड एंड शील्ड की गेम प्ले लाए। तो गाइस, आज हम लोग आज के पोकेमॉन सोर्ड एंड शील्ड की गेम प्ले के साथ, तो अब गेम की तरफ थोड़ा ध्यान लेते हैं। ओके, तो ऑब्वियसली मैं अपना नाम रखूँगा। गाइस, मेरा नाम रोहित है, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग अपना नाम सेट करते। ओके, राइट, देन योर नेम इज़ रोहित। या Your own Pokemon legend is about to unfold. A world of dream and adventure. Let's go. तो ओके गाइस, ये गेम स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हमें एक ओल्ड रोड मिली और टाउन मैप मिला है। और यहाँ पे रिटन वार्निंग, इफ यू आर कंफ्यूज आस्क फॉर हेल्प, प्रेस एल। ये कंट्रोल से गेम के, ये हमारी मॉम है, मॉम से बात कर। रोहित, गो अहेड, द टीवी शोड दैट ऑल द बॉयज आर गोइंग अवे समथिंग। ओ योर्स फ्रेंड होप कॉल्ड यू, गो होप। तो गाइस, इसमें हमारा एक फ्रेंड है, उसका नाम होप है, ये आ गया। और गाइस, एक बार जितना मेरे को पता है कि जो होप है वो जो हमारा चैंपियन है लियोन, उसका भाई है होप। हाँ, देयर यू आर रोहित, दिस ऑल बैक पैक इज लोअरिंग यू, एट लीस्ट इट शुड फिट एवरीथिंग लियोन विल ब्रिंग। गाइस, इसमें जो गलार रीजन का चैंपियन है वो लियोन है। होप, अ वूलू, बट व्हाट इज सी डूइंग देयर, हे यू स्टूपिड। वूलू, आई नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, डोंट यू टैकल ऑन द फेंस। नाउ लिसन, इट्स नॉट टू गेट पास्ट दैट फेंस, एवरीवन नोज दैट देयर आर स्कैरी पोकेमॉन लिविंग एट द स्लम्बरिंग वील्ड। Oh, now that this has been resolved, how about you, Rohit? We bet I run. I am sure I can get to my house faster than you. Since you've been dragging yourself with your old and heavy backpack. Okay. Guys, गेम की ग्राफिक तो काफ़ी अच्छी है, भले जीवी है लेकिन सॉर्ड एंड शील्ड है गाइस, मज़ा आ जाएगा। तो अभी हमें करना क्या है, हमें जाना है होप के घर में। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब किए ताकि मैं ऐसे और वीडियो आपके लिए लाता रहूं। ओके, लेट्स सी, पहले इस रूट से जाते हैं। ओह, सही जगह है, ये लियोन है गाइस। जैसा कि मैंने आपको कहा, लियोन जो है चैंपियन है। लियोन यो और चैंपियन, लियोन इज़ बैक, आई प्रॉमिस डेट आई विल कंटिन्यू टू डू माई बेस्ट टू प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट बैटल फॉर ऑल ऑफ यू टू वॉच। ऑडियंस, He is our unbeatable champion, Leon. You and Charizard are awesome. Well, thanks for that. I hope everyone will continue. Train their Pokemon and never run away from the battle. Then come and challenge me for the audience from the title. We are all working on our battle skills as you taught us. Lee, but this Charizard of yours is too strong for people like us. Leon, champion. It's true that my Charizard is incredible, but other Pokemon can also be strong. That's why I want the strongest coach to complete the gym challenge and come and fight with me. My wish is that the Galar coaches work together to become the strongest in the world. Okay, Hope Lee. Hope, so my number one fan in the world, he started his journey. Look at you, Hope. I think you've grown an inch and a quarter since the last time I saw you. Lee, bingo, this is kind of sharp eye that has kept you unbeaten for so long. Haha. Leon, and those bright eyes here. हाँ, तो guys, यहाँ पर लगता है हमारी बात हो रही है। आह, देखा मैंने guys, कहा था ना, I heard a lot about you from your little brother. Nice to meet you. Galarian. And I am also a big fan of Charizard. People call me Leon, the unbeatable champion. हाँ, पता है पता है।
होप कम ऑन ली एंड यू रोहित लेट्स हैड बेटर एट होम ओके ली ऑन दिस होप ऑलवेज वॉन्टेड टू बी द बेस्ट राइट विथ अ राइवल ऑफ हिज ओन आई बेट ही वुड स्ट्रीव टू बिकम सम वन ट्रूली स्ट्रॉन्ग ओके लेट्स सी लेकिन सबसे बेस्ट तो हम ही बनेंगे बट डोंट वरी आई विल ऑलवेज बी अराउंड टू मेक श्योर डैट एवरी वन इन गलार कैन हैव अ चैम्पियन लाइफ ओके तो गाइस टाइम आ चुका है अब हमें पोकेमोन चूज़ करना है तो गाइस मैंने स्टार्टिंग में मैंने थोड़ी रिसर्च की तो मेरे को पता चला कि इसमें जो स्टार्टर पोकेमोन है उनके बारे में थोड़ा पता चला तो गाइस मेरे को ग्रूकी सबसे सही लगा तो गाइस मैं ग्रूकी को चूज़ करने वाला हूँ आप मेरे को कमेंट करके बताओ अगर आप मेरी जगह होते तो आप कौन सा पोकेमोन चूज़ करते स्कोर बने नहीं गाइस मैंने जैसा कि आपको कहा कि मैं ग्रूकी को ही चूज़ करूँगा ग्रूकी को चूज़ करने का स्पेसिफिक कोई रीज़न नहीं है बस गाइस मेरे को अच्छा लगा स्पेशली इसका जो लास्ट इवोल्यूशन वो बहुत सही लगा मेरे को बहुत कूल लगा इसलिए मैं ग्रूकी को चूज़ कर रहा हूँ गाइस आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप मेरी जगह होते तो कौन सा पोकेमोन चूज़ करते ओके तो होप ने सोबर चूज़ किया जो सोबर है वाटर टाइप पोकेमोन है इफ़ अ वाइल्ड पोकेमोन प्रोटेक्ट यू विथ हिम एट योर साइड यू विल अराइव इन द नेक्स्ट सिटी इजली ओके होप वेट रोहित लेट्स टेस्ट अवर पोकेमोन ओके गाइस तो अब हमारी फर्स्ट फाइट होने वाली है होप से हो वे डू लाइक बैटल वुलू लियोन ओह फॉर पिटी सेक ओके गाइस तो अभी तो ये बेसिक्स होंगे ये लियोन है वो हमें गाइड करेगा कि हमें बैटल कैसे करना है इंस्ट्रक्शन देगा ये बेसिक्स है अभी स्टार्टिंग में तो आपके लिए मैं रीड कर लेता हूँ ये सब कुछ जो भी ये हो रहा है एसपी तो मैं आपको ट्रांसलेट करके बता देता हूँ कि लियोन ने कहा है कि अगर हमें पोकेमोन बैटल जीतना है तो दूसरे पोकेमोन का हमें एचपी जीरो तक लाना होगा वुली का अटैक हमें ज़्यादा हुआ नहीं लेकिन हमारा अटैक से वो काफ़ी उसको डैमेज हुआ है सिंपल रीज़न ये गाइस कि उसका वुली जो था वो दो लेवल का था और हमारा ग्रू की फाइव लेवल का है ओके सोबल हमारे पास यहाँ पर टाइप का एडवांटेज है पर बैड थिंग ये है कि हमारे पास अभी कोई ग्रास टाइप का मूव नहीं है कोई नहीं वो नाइस गाइस तो हम लोग अपनी फर्स्ट बैटल जीत चुके हैं और आगे ऐसे आने वाले टाइम में लोग सारे अपनी बैटल जीत जाएंगे और गलार रीजन का बेस्ट चैंपियन बनेंगे और लियोन को हराएंगे तो आप बने रहिए हमारे सीरीज़ के साथ ये सीरीज़ गाइस मैं कंटिन्यू करूँगा अब से मैं गाइस हर एक हफ्ते में दो या तीन वीडियो डालूँगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आई मेक माई पोकेमोन बैटल ये क्या था रोहित डिड यू हियर डैट वुड हैव बीन डैट वुलू ओ यार गाइस वुलू जो वहाँ पे फ्रेंच पे हेड फ्रेंच हाँ ये रहा फ्रेंच यहाँ पे वो अपना टैकल अटैक कर रहा था तो आई थिंक ये जंगल में चला गया वुलू तो चलो ढूंढते हैं गाइस अब टाइम आ गया वुलू को ढूंढना पड़ेगा हमें होप ने मना किया था वुलू को मारने के लिए मतलब टैकल अटैक यूज़ करने के लिए तभी वुलू उसका कहाँ सुनेगा ओके लेट्स सी कहाँ है इसका बुलू ओके जिगजैगून नहीं गाइस जिगजैगून नहीं पकड़ना वैसे भी हमारे पास कोई पोकेबॉल है ही नहीं आगे बढ़ते फिर से गाइस जिगजैगून गाइस मेरे ख्याल से इस रीजन में सिर्फ सॉरी इस रीजन में नहीं इस एरिया में सिर्फ जिगजैगून है ओके ये रहा वुलू तो मिल गया हमें वुलू बी वुलू तो मिल गया अब मुझे जैसा लग रहा है कि मुझे उसको क्या होता है होप को बताना है कि हमें वुलू मिल गया एक बार चेक कर लेते हैं होप को बताते हैं यार ये जो रास्ते में पोकेमोन आते हैं ना काफ़ी परेशान करते हैं गाइस जिगजैगून अगेन होप ये रहा चलो बताते हैं इसको वुलू मिल गया ओके तो हमें लगता है आगे कुछ कुछ और करना है हाँ गाइस आगे मैंने एक रास्ता देखा था वहाँ पे एरो बन रहा था एक बार वहाँ पे जाके देखते हैं क्या होता है लेट्स सी एक बार वुलू कुछ नहीं भी हाँ ये जो रास्ता दिख रहा है एक बार डाल यहाँ पर ओ वुड यू लाइक टू जैसे वो गाइस जैसे 100 लेवल के जैसे कहीं मजाक हो रहा है हमारे साथ हमारा कहाँ 6 लेवल का पोकेमोन और उसका 100 लेवल का जैसे गाइस यार
मजा ही आ गया भाई। जैसी यार 100 लेवल का जैसी देखने को मिला पेंटेड, वो बस ली यार, हम कहाँ जीत पाएंगे उससे। जैसे 100 लेवल का है जैसे। हाँ गाइस, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि ये जो पोकेमोन का GBA गेम है, पोकेमोन शील्ड का GBA वर्जन है, इसमें कहीं कहीं भी पोर्तुगीज आएगी, यहाँ हर जगह इंग्लिश लैंग्वेज में डायलॉग्स नहीं होंगे। तो आप डोंट वरी, जो डायलॉग्स होंगे मैं आपको समझा दूँगा, और जो इम्पोर्टेंट डायलॉग्स होंगे वो आपको मैं बता ही दूँगा, और आई थिंक आप एडजस्ट कर लोगे। बीच बीच में गाइस थोड़ा सा, हर जगह नहीं, बीच बीच में होगा बस, कि पोर्तुगीज लैंग्वेज होंगे डायलॉग्स। ओके, तो ये गाइस होप का घर है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से तो हमें ये बन देगा, यहाँ से तो हमने पोकेमोन चूज किए थे इधर से, तो अब आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तुम लोग रूट 1 पे है। ये क्या वुलू ने पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया? नहीं, साइड में रास्ता है गाइस, हम लोग जा सकते हैं, डोंट वरी। वेज हर्ट्स ये फर्स्ट सिटी है गाइस जो हमें आई है अभी, वेज हर्ट्स सिटी। लियोन लियोन गाइस लियोन। हेलो रोहित, दिस इज सोनिया लेबोरेटरी, कुड यू गिव इट टू हर? आई एम श्योर सी विल रिवॉर्ड यू, ऑब्टेन सोनिया पार्सल। ओके, तो गाइस लियोन ने हमें पार्सल दिया जो हमें सोनिया को देना है। सोनिया ये रही गाइस, इसको हमें पार्सल देना है। सोनिया, हाय आई एम सोनिया, आई एम द प्रोफेसर असिस्टेंट, डू यू हैव एनीथिंग? ओके, तो गाइस हमने सोनिया को दे दिया उसका पार्सल जो हमें दिया था लियोन ने। ओके, हे ही इज रोहित, अ गुड ट्रेनर लियोन। लियोन आ गया, वेट, ही इज रोहित अ बिगिनर, हेल्प हिम विथ हिज जर्नी। ओके, सो द रोटम फोन यूजेस पोकेमोन डाटा दैट यू सॉ और कैप्चर, इट्स अ सुपर इनक्लोपीडिया। तो गाइस सिंपल सी बात है, जैसा कि हमारे दूसरी गेम है उसमें पॉकेडेक्स होता है, इसमें रोटम फोन होता है जो पॉकेडेक्स का ही काम करता है, सेम वही काम है, बस नाम अलग है और थोड़ा एडवांस है। तो ओके गाइस, हमें पॉकीबॉल मिल चुकी है, तो अब हम लोग वाइल्ड पोकेमोन पकड़ सकते हैं। गाइस इस गेम में मैं सिर्फ मैं गलार रीजन के ही पोकेमोन पकड़ूंगा, और मैं दूसरे पोकेमोन नहीं पकड़ने वाला। जो गलार रीजन के पोकेमोन है 6 के 6 मैं वही रखने वाला हूँ। तो आप गाइस मेरे को कमेंट करके बताओ कि मुझे आगे चल के कौन कौन से पोकेमोन मिलेंगे और मेरे को कौन कौन से पोकेमोन पकड़ने चाहिए। जैसे कि गाइस मैंने कहा था, ऐसा बीच बीच में ग्लिच होगा, कहीं कहीं पे डायलॉग कम है, और कहीं कहीं पे गाइस ये कि पुर्तगाली लैंग्वेज में गेम है। तो गाइस अब एक्सप्लोर कर लेते हैं, सिटी को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। नाइस यार, ये पोकेमोन सेंटर आई थिंक, ये जिम लीडर है, जिम है, आई डोंट नो। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, इसको चेक करेंगे। ओके गाइस, तो इस रीजन में पोकेमोन सेंटर ऐसा होता है गाइस, सॉरी बट मुझे लगा कि ये जिम है। ओके नाइस यार, नर्स जॉय भी थोड़ी डिफरेंट लग रही है। ओके, ज़्यादा कुछ इस टाउन में है नहीं, अब आगे बढ़ते। ओ गाइस, एक जगह हम देखना भूल गए, बैक आ रहा हूँ गाइस, एक जगह हम लोग देखना भूल गए, आई डोंट नो ये क्या है। हाँ ये गाइस मैं जगह बात कर रहा हूँ, इधर क्या है? हेलो, द ट्रेन इज़ नॉट येट अवेलेबल टू कम बैक लेट। ओके गाइस, तो यहाँ से हमें ट्रेन मिलेगी। ये यूनिक चीज़ है जो मेरे को सिर्फ इसी गेम में देखने को मिली है अभी तक। मैंने गाइस जितने भी गेम खेले और मेरे को कहीं भी ट्रेन का यूज़ करते हैं नहीं मिला है, तो एक प्लस पॉइंट। मज़ा आएगा यार, काफ़ी एक्साइटेड होने वाला है ये गेम। रोटा 2, इट मीन्स रूट 2, ठीक है जैसियन। ओके गाइस, तो इसमें वाइल्ड पोकेमोन ऐसे बाहर रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, और आई मीन घास में भी रहते हैं। जैसे कि दूसरे गेम में हमारे साथ होता है कि जब हम लोग घास में जाते हैं तो हमें पोकेमोन दिखते हैं, लेकिन इसमें पहले से ही पोकेमोन हमें दिख रहे हैं गाइस। भाई क्या कथी मस्त गेम है यार, मज़ा आ जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट फाइट, नॉर्मल फर्स्ट फाइट,
पोप के साथ तो हो चुकी है, वैसे नॉर्मली हमारी फर्स्ट फाइट है। लेट्स यूज बाइंड वीप, ज़्यादा कुछ असर नहीं हुआ बाइट, स्क्रैच करके देखते हैं। वाइंड वीप ही यूज़ कर, वाइंड वीप करके देखते हैं। बस एक और अटैक और होगी ख़त्म, हमें हेल्थ काफ़ी कम हो गई यार। तो आगे बढ़ते हैं, गाइस मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे जो ये बर्ड जैसा पोकेमोन दिख रहा है, मेरे को उसका नाम नहीं पता, मैं इसको पकड़ने का सोच रहा हूँ। तो देखने पहले एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं पूरी जगह, फिर मैं ऐसे बर्ड वाले पोकेमोन को पकड़ूँगा। गाइस एक और बात, इसमें एक एक्सपीरियंस शेयर का फीचर है कि अगर आपको जो पोकेमोन है और जो पोकेमोन जितने भी पोकेमोन होंगे सबको एक्सपीरियंस मिलेगा। एक का आप बैटल करोगे तो उसका एक्सपीरियंस को उसको तो मिलेगा ही, और दूसरे जो आपके पोकेमोन है उनको भी एक्सपीरियंस मिलेगा। एक्सपीरियंस शेयर ये मतलब कि टर्म है जो इसको यूज़ किया जाता है, टर्म जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सॉरी ओके, तो वैम्पर सही है, बहुत तकड़े तकड़े पोकेमोन है यार गाइस। वैम्पर 6 लेवल से नहीं गाइस, मेरे को वैम्पर नहीं पकड़ना, सबसे पहले मैं उस बर्ड वाला पोकेमोन पकड़ूंगा, उसका आई डोंट नो नाम क्या है। एक बार नीचे आ गया, एक और पोकेमोन ब्लिप बग, नाइस यार। और वो भाई सही बता रहा हूँ गाइस, मज़ा ही आने वाला इस गेम में। होटोट नहीं गाइस, होटोट बिल्कुल नहीं, चलते हैं एक बार देख लेते हैं। भाई सर मुझे तो एक पोजीशन की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा जैसे कि आप देख रहे हो ग्रोकी के लेवल एकदम ग्रोकी की एचपी बहुत कम हो गई है। तो देखते हैं, मैं पोशन ढूंढ रहा हूँ, अगर पोशन मिल जाए तो पोशन मिल जाए तो हम लोग ग्रोकी को देखते हैं, उसके एचपी बढ़ाएंगे। एक ये पोकेबॉल, लेट्स सी इसमें क्या मिलता है। एक्स डिफेंड यार सेट, इसमें एक्स डिफेंस मिला है, पर कोई भी नहीं, खतरों का खिलाड़ी हम भी, एक बार ट्राई करते हैं आगे। लेट्स हैव अ बैटल, हमारे गैस यहाँ पे हारने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, नहीं सॉरी गैस जीतने के चांसेस ज़्यादा है। ओवर टाइप है टेल वीप एंड एक और अटैक वो ख़त्म, स्क्वर्टल यहाँ पे हमारा लक ने साथ दिया गैस। टेन 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 टो टू छो 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 छो, ओ सेट, इसके पास दो पोकेमोन, अब तो गए हम लोग, आई डोंट थिंक ही हम जीत पाएंगे इससे। एक्सपेक्टेड तो गाइस हम लोग, मैं दोबारा आ चुका हूँ इससे लड़ने के लिए अपनी ग्रोकी की हेल्थ बढ़ा के। और गाइस मैंने वो बट टाइप पोकेमोन भी पकड़ लिया है, फाइंड वीप ओके, इट्स नॉट स्लज बॉम। गाइस यार इसका स्लज बॉम बहुत काफ़ी इफेक्ट कर रहा है यार हम पे, स्लज बॉम। एक और स्लज बॉम और हमारा ग्रोकी ख़त्म, स्क्रैच। लेट्स सी उसका दूसरा पोकेमोन कौन, ग्रोकी एक लेवल को हो गया। वाइंड वीप आई, ओ एक और अटैक, स्क्रैच ख़त्म हुआ ओके, इट वॉज ए नाइस बैटल। ये रहा ये होप यहाँ पे कर रहा है, अनलॉक ऑल द प्रोफेसर द सीक्रेट ऑफ डायनामिक्स फिनोमिना, ओ गॉड नो देयर आर सीक्रेट सम सीक्रेट्स। ये रहे ये तो लियोन और सो हैव यू डायनामिक्स, ओके गाइस यहाँ पे डायनामिक्स की बात हो रही है। गाइस अगर पोकेमोन सोर्ड एंड शील्ड की आपने सीरीज देखी होगी तो आपको पता होगा डायनामिक्स में मतलब क्या होता है। डायनामिक्स में जब वो पोकेमोन बहुत बड़ा हो जाता है उसी चीज़ को बोलते हैं डायनामिक्स मेनली, आपको मैं रफली समझा रहा हूँ। ओ डियर वंस आई एम सॉरी आई डिडंट इवन नोटिस माय गेस्ट, माय नेम इज मैग्नोलिया, नाम है कि गाली सॉरी गाइस, मैग्नोलिया होप हनी आई सी योर वुली हैज़ मेड नी फ्रेंड एंड यू मस्ट बी रोहित आई रिज्यूम यू रिसीव पोनिया सोनिया सॉरी सोनिया पॉकेटेक्स, ओ हाँ सोनिया का नया में पॉकेटेक्स दिए और पोकेबॉल्स दिए ओके डायनामिक्स ओके। तो ये जो प्रोफेसर है ये डायनामिक्स फिनो के ऊपर काफ़ी सालों से रिसर्च कर रही है, और इन्होंने ही लियोन को जो है डायनामिक्स बैंड दिया है, जहाँ तक मेरे को इतना पता चला इनकी बातें पढ़ के। या ओके दे आर यू ऑलवेज टॉकिंग अबाउट पोकेमोन्स चैम्पियन, यार चैम्पियन पोकेमोन के बारे में बात नहीं करेगा तो किसके बारे में बात करेगा। ओके भटकते ने प्रोफेसर डू अस,
ए गाइस यार रिलीज कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ए प्रोफेसर विल यू हेल्प मी कन्विंसिंग ली दैट ही शुड इंडोर अस एट द जिम चैलेंज। यार लियोन व्हाई डोंट यू इंडोर देम लियोन। होप रोहित एंड स्टार्टर होप एंड रोहित स्टार्टेड नाउ एज पोकेमॉन ट्रेनर। देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ थिंग्स लियोन। आई थॉट योर ड्रीम हैज टू मेक एवरीवन इन द वर्ल्ड सॉरी इन द रीजन ऑफ गला स्ट्रॉन्ग इजंट। वेल यस यू आर नॉट रॉन्ग। That's why I gave them both Pokemon. Okay then, in that case, what about that? Let's see if you two can show me battle so brilliant that I have no choice but to endure you. And don't worry, I will ensure that both teams are in good shape before the battle begins. Okay guys, तो अब हमें battle करनी है। आई थिंक होप के साथ ही हमारी बैटल होगी और अगर बैटल के साथ हमारा जो ये लियोन है अगर इम्प्रेस होता है तो ये हमें जिम चैलेंज में पार्टिसिपेट करने देगा, मतलब कि हमें रजिस्टर करने देगा। तो लेट्स फाइट सही है यार, इसमें एकदम स्टेडियम जैसे बना रखा है। पोकेमॉन ट्रेनर डेट लियोन आई नीड लियोन एंडोर्समेंट पार्टिसिपेट इन द जिम चैलेंज बैटल विथ मी विथ एवरीथिंग यू हैव सो वी कैन प्रूव टू ली डैट वी वाट वी टे श्योर। ओके मैग्नोलिया आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सी हाउ यू टू गुड कोचेस आर। लिसन यू टू द रीजन आई एम अनबीटन इज डैट आई लर्न फ्रॉम ऑल द बैटल्स आई सी और पार्टिसिपेट इन डैट्स हाउ आई गॉट टू वेयर आई एम टूडे सो शो मी समथिंग गुड इन दिस बैटल। ओके लेट्स बैटल विथ हिम। वाइंड वीप यूज़ करते हैं गाइस, सैन अटैक ज़्यादा फॉर स्क्रैच वाइंड वीप आई थिंक ओ सेट वाइंड वीप हमारी मिस हो गई वाइंड वीप ओ नाइस। रॉकेटी जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया था कि मैंने जो बट टाइप पकवान पकड़ लिया है तो गाइस मेरे इस बट टाइप गलार रेज में जो ये बट टाइप पकवान है उसका नाम है रॉकेटी। एक और मूव और ये गया सोबल नाइस। ग्रोकी जो हमारा 10th लेवल को हो गया और जो वो हमारा बट टाइप पकवान है वो 7 या 8 लेवल को हो गया। It was a nice battle. How well after seeing a match like this, I suppose I have no choice but to support you as a champion. Yes, thanks, Lee. I swear I will win gym challenge to get you. Hope all right, Rohit, and I will train against each other to do achieve the title of champion. The more we keep fighting each other, the more our powerful, Pokemon will evolve. What is that? ओके गाइस तो विशिंग स्टार गिरा है यहाँ पे और जैसे कि मेरे को पता है कि जो प्रोफेसर है ये मैग्नोलिया इन्होंने विशिंग स्टार से ही जो है डायनामिक्स बैंड बनाया था लियोन के लिए। ओके माय पोकेमॉन कैन यूज डायनामिक्स आई ट्रस्ट यू टू यूज समथिंग लाइक दैट दे से दैट विशिंग स्टार फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ दोज हु हैव अ डिजायर इन देयर होप आई विल बी द बेस्ट कोच। और ये होप की पुरानी वही बचकानी बचपन वाली हरकतें होप तीन बार शूटिंग स्टार देखने के बाद तीन बार विश मांगेंगे जो पूरी हो जाएगी। बचपन भरा हुआ है होप में और हम हमेशा के लिए मैच्योर हमें मैच्योर है सॉरी हमें पता है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं। और वही जैसे मैंने आपको कहा मैग्नोलिया ने भी होप को यही समझाया कि ऐसा उसको कुछ लेना देना नहीं है डायनामिक्स के बारे में। ओके तो गाइस मैग्नोलिया ने कहा है कि जो हमारे शूटिंग स्टार जो हमें मिले हैं वो हम उसको दे दें उससे वो डायनामिक्स बैंड बनाएंगी और हमारे रेडी करेगी जैसे सेम लियोन के पास है। यार गाइस आई एम सो एक्साइटेड। ओके गाइस तो फर्स्ट एपिसोड के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में।